Welcome back to my channel. In this video, I'll be talking about the UP Veterinary Exam 2020. Actually, बहुत सारे लोग मुझे comment कर रहे थे कि NEET के अलावा या UP CATET के अलावा और form बताइए जो BVSC course actually provide कराते हो. तो उसी के लिए मैंने आज actually ये video बनाया है. तो मैं आज बात करूँगी एक नए form के बारे में जो आपको BVSC साथ ही में BSc बायोटेक इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी कोर्स अगर आप करना चाहते हैं तो ये फॉर्म आपके लिए बहुत जरूरी है. तो वो फॉर्म है उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान मथुरा. ठीक है, तो ये मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगी आपको, काफी लंबा नाम है. बट जो लोग बीबीएससी में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, वेटरनरी एग्जाम में कोर्स में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये इस फॉर्म को आप भर दीजिए. अभी रिसेंटली में इन्होंने एक्चुअली एक नोटिस जारी किया था जिसमें इन्होंने बताया था जो इनका जो एंट्रेंस एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी डेट उन लोगों ने एक्सटेंड कर दी. तो ये आप लोग के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जिनको इस फॉर्म के बारे में नहीं पता था. तो आई थिंक जून 4 या 6 तक ये एक्सटेंड है. तो मतलब ये एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा, तो इसको आप आज या कल में फिलअप कर दीजिए फॉर्म. ठीक है, घर से ही फिलअप कर दीजिए. अगर साइबर कैफे कोई है तो वहां से फिलअप कर दीजिए, वरना मोबाइल से या लैपटॉप से आप घर पे ही फिलअप कर दीजिए. तो सबसे पहले तो ये आता है कि कौन कौन से कोर्सेज हैं जो ये प्रोवाइड कराएगा. एमएससी भी प्रोवाइड कराता है बट मैं अंडर ग्रेजुएट की ही बात करूंगी यहाँ पर. तो जैसे बीएससी बायोटेक, बीएससी इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, ये दो कोर्स हो गए. फिर बीबीएससी एंड एएच दैट इज एनिमल हस्बेंड्री. तो बहुत सारे लोग इन कोर्सेज में इंटरेस्टेड हैं तो ये लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं. ठीक है, अगर हम बात करते हैं बीएससी बायोटेक एंड बीएससी इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी के लिए तो डायरेक्ट एडमिशन है. एक्चुअली ये मेरिट के बेसिस पे होगा, इसका कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं है. बट अगर हम बीबीएससी एंड एएच दैट इज एनिमल हस्बेंड्री की बात करते हैं तो इसमें आपका पीवीटी मतलब एंट्रेंस एग्जाम होगा. ठीक, और एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, अगर हम यहाँ पर एज की बात करते हैं तो मिनिमम एज 17 इयर्स है और मैक्सिमम एज 25 इयर्स है. ठीक है, 17 से 25 साल तक के लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं. फिर अगर आपको बीएससी इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी करना है या बीएससी बायोटेक करना है तो एलिजिबिलिटी क्या, एक तो एज की एलिजिबिलिटी हो गई. अब आता है अगर आपके 12th स्टैंडर्ड में आपने फिजिक्स लिया है, केमिस्ट्री लिया है, बायोलॉजी लिया है या बायोटेक था तो आप एलिजिबल हैं. और आपको 60% तो मतलब मिनिमम आपको स्कोर करना ही, अगर इससे नीचे अगर किसी का 58% या 59% बन रहा है तो वो एलिजिबल नहीं है. ठीक है, तो 60% कंपलसरी है आपके 12th में. फिर बात आती है बीबीएससी एंड एच की बात करते हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री बीएससी या बायोटेक होना चाहिए एंड गेस इंग्लिश भी होनी चाहिए. अगर आपके पास इंग्लिश नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं है. इसी तरीके से बीएससी बायोटेक वालों के लिए भी इंग्लिश कंपलसरी है. ठीक है, अगर आप बीएससी बायोटेक करना चाह रहे हैं, इस फॉर्म को फिलअप करना चाह रहे हैं तो आपके 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और इंग्लिश होना कंपलसरी है. अगर इनमें से कोई भी सब्जेक्ट नहीं, ऑफकोर्स साइंस वाला है तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तो होगा ही होगा. ठीक है, और इंग्लिश होना कंपलसरी है. और इसी तरीके से बीबीएससी एंड एच की दैट इज एनिमल हस्बेंड्री की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बीएससी बायो बीएससी हो या बायोटेक कई लोग के पास होता है और इंग्लिश होना कंपलसरी है. और विथ एन एग्रीगेट ऑफ एटलीस्ट 50% मार्क्स, मतलब 50% तो स्कोर होना ही चाहिए एज एन एग्रीगेट. ठीक है, फिर अगर हम यहाँ पर रिजर्वेशन की बात करते हैं तो जनरल कैटेगरी के लिए जो सीट्स रिजर्व हैं वो 50% है, ओबीसी के लिए 27% रिजर्व है एंड एससी के लिए 15% एंड एसटी के लिए 8% है. और जो बीबीएससी एंड एएच का जो कोर्स है वो 5 साल का है आपका. एंड अगर हम यहाँ पर फीस की बात करते हैं, देखिए फीस जो है वो वेरी हो सकती है, मैंने एक्चुअली नेट से निकाला है तो आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि इसके नीचे तो नहीं होगा तो ऊपर कुछ भी हो सकता है. तो एटलीस्ट आपको एक रेंज पता होगी कितनी फीस लगेगी. तो अगर आप फर्स्ट आपका एडमिशन हो जाता है तो एडमिशन फीस जो भी लगे, ठीक है, फिर उसके बाद अगर आपका एडमिशन हो गया, आप सेलेक्ट हो गए तो फर्स्ट ईयर में 5 साल का कोर्स है तो फर्स्ट ईयर में आपको 32,750 रुपीज लगेंगे, सेकेंड ईयर में भी 32,750, इसी तरीके से थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर एंड फिफ्थ ईयर में भी आपका 32,750
रुपीज लगेगा, तो टोटल जाके बनता है आपका 1,63,750 रुपीज। ठीक, 1,63,750 रुपीज, ये 5 साल में, पूरा 5 साल का मैं बता रही हूँ, केवल कितना लग रहा है, 1,63,750। ऊपर नीचे हो सकता है, मुझे कमेंट मत करना इतनी फीस होती है उतनी फीस होती है, मैंने क्रेंज बताई है, आपको एटलीस्ट आइडिया हो जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी, ठीक है। तो इसके आप डायरेक्ट वेबसाइट पर जा सकते हैं, ठीक है, जैसे पंडित उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान, तो इधर पर आप जाके फॉर्म इसका फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। और थैंक यू सो मच, और लाइक करना मत भूलना।